अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जी मुजफ्फर सियाल और वेलकम करते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल अपना व्लॉग टीवी पर। जी दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप तमाम दोस्त जो हैं वो खैरियत से होंगे और आपका रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। दोस्तों, रात जो है मेरे गांव की एक छोटी मस्जिद है, मेरे गाँव में तीन मस्जिद हैं, तो एक मस्जिद में ख़त्म कुरान पाक था, उसकी वीडियो जो है व्लॉग आपके साथ शेयर की है। उम्मीद है आपको जो है आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि आखिरी दो रकअत भी मैंने इसमें शेयर किए हैं, कुरान पढ़ा गया, इख्तिताम हुआ है। तो आप दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो जो है आपने शेयर लाजमी करनी दोस्तों के साथ। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके साले घंटी के बटन को दबा लेना, ताकि मेरे इंटरेस्टिंग व्लॉग्स आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। तो आपका टाइम ज़ाया नहीं करते, आज वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, आपने परेशान नहीं होना और व्लॉग को मुकम्मल देखना है और वीडियो को लाइक लाजमी करना है, ठीक है? तो जल्दी शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो। الحمد لله رب العالمين الله خالق كل مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الجنة والناس الله साडा यूट्यूब का चैनल है अपना व्लॉग टीवी। छुट्टी लाइए खेडो नाम मिले के छुट्टी लाइए खेडो नाम मिले ये ताज मिले मोबाइल मिले एक जगह स्टार्ट रख के था एक क्लास था इन्होंने कहा कि ना और
ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੋਹਣੇ ਮੀਮਾ
फिक्र करें तो पिछले रमजान में
हमारे बहुत सारे दोस्त साथी अजीज रिश्तेदार जो कि हमारे साथ माह रमजान में शरीक थे, लेकिन इस माह रमजान में वो हमारे साथ नहीं थे। तो माह रमजान जब शुरू होता है तो उसमें उस इस महीने का सबसे पहला जो हक है हमारे ऊपर वो ये कि हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना। अल्लाह ताला ने हमें इस मुबारक महीने तक पहुंचा दिया, फिर इस मुबारक महीने की वो मुबारक घड़ियां, वो लम्हे, वो वक्त, वो बरकतें, वो रहमतें अल्लाह ताला ने हमें नसीब फरमाई। इस बात पर अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है। हालांकि माह रमजान का महीना भी बिल्कुल उन्हीं महीनों जैसा है जो 11 महीने होते, यानी उसी तरह दिन निकलता है, सूरज तुलू होता है, सवाल का वक्त होता है, सूरज गुरूब हो जाता है, रात आ जाती है, दिन पे दिन गुजरते चले जाते हैं, हफ्तों पे हफ्ते गुजरते चले जाते हैं, महीनों पे महीने गुजरते चले जाते हैं। तो माह रमजान में भी तो यही होता है। फिर इस महीने में और बाकी महीनों में क्या फर्क रहा? बार दफा अल्लाह ताला अपने बंदों को अपने करीब करने के लिए, अपने पास बुलाने के लिए अल्लाह ताला उस चीज के साथ अपनी निस्बत जोड़ देते हैं। जैसे बाकी 11 महीने किसके हैं? अल्लाह ताला के। किसने बनाए? अल्लाह ताला ने। लेकिन माह रमजान उन सब महीनों से बढ़कर क्यों? वो इस वजह से कि अल्लाह ताला ने यह फरमाया कि माह रमजान मेरा महीना है। लेकिन बाकी भी अल्लाह ताला के, लेकिन उनके बारे में अल्लाह ताला ने इस तरह नहीं फरमाया जिस तरह माह रमजान के बारे में। और फिर अल्लाह ताला ने माह रमजान के अंदर जो रोजा है, रोजा, ये रोजा, इसके बारे में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? ये रोजा मेरे लिए है। नमाज अल्लाह ताला के लिए नहीं, हज अल्लाह ताला के लिए नहीं, जकात अल्लाह ताला के लिए नहीं, तिलावत अल्लाह ताला के लिए नहीं, जिक्र अज़कार अल्लाह ताला के लिए नहीं, जितने भी नेक काम हैं सब अल्लाह ताला के लिए। लेकिन इस रोजे को खास फरमाया कि रोजा मेरे लिए और मैं ही इसकी जदाद। और हम रोजा रखते हैं, खाना छोड़ देते हैं, हालांकि खाना खाना हलाल है, पानी पीना हलाल है, लेकिन हम छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? कि अल्लाह ताला ने मना किया, अल्लाह ताला ने मना। तो अगर हम हलाल चीजें अल्लाह ताला के लिए छोड़ सकते हैं तो वो चीजें जो हराम है, झूठ बोलना हराम है, धोखा देना हराम है, गीबत हराम है, हराम खाना हराम है,
किसी का हक मारना हराम है, किसी को तंग करना हराम है। अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान तो वो है जिसके हाथ जिसकी जुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। यानी सोचने की बात है कि हम अल्लाह ताला के लिए खाना खाना जो कि हलाल है लेकिन रोजे में हम छोड़ देते हैं, पानी पीना हलाल है लेकिन रोजे में अपनी वड्डी मर्जी दी मिला बनाई दस वाली ओदे च कतले कोला मेरा आदमी छुट्टी कर दी ठीक है ना जी। जुम्मे वाले दिन बाबे वाले बाबे शाह ने अपने सारे मेरे सो ख्याल के आप इनसे बाद बाद निवाज जी पर सो और फतवे को आप इनकी शिरकत करें अल्लाह ताला और की लग नजात अता फरमा दी। अल्लाह हमारे हक का हक
اپنی اپنی